इतना ही नाटक कर लो इमाद मियां, भरान को बेवकूफ नहीं बना सकते। अम्मा ये चेक करो, ये तुम्हारे बेटे की आज अच्छी खासी आमदनी हो गई। यहाँ इतने सारे पैसे कहाँ से आए फरहान तुम्हारे पास? इमाद मियां के सदके के बकरे बेच कर आ रहा हूँ। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि सदके के पैसे कहाँ हैं हम? अरे अम्मा पैसों पर थोड़ी लिखा होता है कि सदके के हैं नहीं। अरे रखो रखो, ऐश करो, ब्रांडेड कपड़े खरीदना। हाँ और वैसे भी सदका गरीबों तक तो पहुंचा नहीं तो इमाद मियां की बला भी नहीं टली। कैसा दिया? बिल्कुल माँ की तरह शैतानी दिमाग पाया है तूने। सदके जाऊं तेरे। वैसे फरहान इमाद की तबीयत कैसी है अब? अरे सब ड्रामा या हार्ट अटैक वार्ट अटैक नहीं हुआ कोई भी? नहीं दिल बंद हुआ, नहीं कब्र पे फूल चढ़े। लेकिन हमारे अरमान तो सारे दफन हो गए ना कमबख्त। क्या बात कर रही हो अम्मा, बस वकील के पैसे खत्म हो गए थे वरना ना को जने चबा देता सासू माँ को। हाँ वैसे फरहान हमारे पास बस सब एक ही रास्ता है कि इमाद को किसी तरह भाभी साहबा की नजरों में गिराना है। वो क्या है? वो ये कि तुमने पता लगाना है कि ये इमाद को सचमुच का हार्ट अटैक आया था या ये ड्रामेबाजी कर रहा था मनुष्य। अरे अम्मा तेरा फरहान कुछ कम नहीं है, अपने जिगरी को इमाद मियां के दफ्तर में नौकरी दिलवा दी है। अब इमाद के हर कदम पर तेरे फरहान की नजर होगी। अब देखता हूँ क्या करता है, जकड़ के रखूंगा। देखा, सही कहती हूँ ना, गलत का बेटा कभी गलत नहीं होता। गिनो गिनो जी हूँ, कल ही जाऊंगी बाजार। अकल क्या, आज ही जाऊंगी। चलो साथ चलेंगे। क्या हानो, चाय नहीं पी रही हम? नहीं मेरा दिल नहीं है। आप अम्मी से अभी भी नाराज हैं? पागल हो गई हो क्या? नाराजगी तो कब की खत्म हो गई है। तो फिर आप खुद को अपनों में इतना अजनबी महसूस क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कुछ भी था लेकिन मुझे आपसे इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। ये तो आपका भड़कपन है मम्मी, कि आप मुझसे नाराज नहीं, लेकिन ये दुख मुझे सारी जिंदगी रहा था। मैंने भी बिल्कुल वैसे ही अपना हिस्सा मांगा था मम्मी आपसे, जैसे सानिया आप ही ने मांगा था। मैंने फैसला कर लिया है हानिया, अगले 6 महीनों में मैं तुम सबका हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे खुद से ज्यादा तुम सबकी खुशी अजीज है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आपको पता है ये बात जब मैं फरहान को बताऊंगी वो कितने खुश हो जाएंगे। शुक्र है खुदा का, अम्मी तो बहुत परेशान हो गई होंगी इमाद भाई के लिए। हाँ और सानिया आप ही की वजह से उन्होंने खुद को बहुत संभाला हुआ था। वो कब किसी के सामने अपना दुख साहिर होने देती हैं आनो? एक वाहिद तुम थी, तुमसे कर लेती, लेकिन अब तो तुम भी नहीं हो। अंदाजा है मुझे उनकी जिंदगी का हर एक लम्हा जिस कर पर तकलीफ में गुजर जाए, वो कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं आज भी महसूस करती हूँ कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें आज, सब एक साथ थे, अम्मी सानिया भी, वानिया, बस तुम ही नहीं थी साथ।
मेघा बहुत ख्याल रखना तुम, क्योंकि जब इंसान का सहारा खत्म होता है ना तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। मुझे अम्मी से ज्यादा तो तुम्हारी फिक्र है। यहाँ पर हम सब हैं अम्मी के साथ, अम्मी का ख्याल रखने के लिए। लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं, ना माँ की शफकत ना बहनों का प्यार। बिल्कुल अकेली हो तुम। भानोर, भानोर तुम सुन रही हो ना? भानोर मैं सुन रही हूँ। भानोर परेशान मत हो, मैं आऊंगी तुमसे मिलने के लिए, बहुत जल्द मिलने आऊंगी तुमसे। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बोलो। बहुत दिन हो गए अम्मी को गले से नहीं लगाए, क्या तुम मेरी तरफ से उन्हें गले से लगा के बहुत सारा प्यार करोगी? आ जाओ। कैसी तबीयत है भाई? ठीक हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं और होना भी चाहिए। जिस भाई ने सारी जिंदगी मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, मैंने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे आप पे शक किया और आपको सच बताने का मौका भी नहीं दिया। I'm sorry भाई, I'm really sorry। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है दानिश। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन आइंदा कुछ भी मेरे खिलाफ सुनने से पहले 10 बार सोच लेना। नहीं भाई, आइंदा आपके खिलाफ कुछ सोचने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। तुम्हारा यही यकीन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। इंशाल्लाह भाई, आप आराम करें, मैं चलता हूँ। Thank you.
वेल डन अम्माद, वेल डन। दिल खुश कर दिया तुमने। सजीला को बेवकूफ बनाना इतना आसान था नहीं, लेकिन तुमने कर दिया। क्या सोचा तुमने? छह महीने बाद जब सजीला अपने घर की फाइल मांगेगी तो क्या कहोगे? करना क्या है? सजीला बेगम की चार ही तो बेटियां हैं, दो मेरे घर, एक उस भटीचर फरहान के घर। उसको 10-20 लाख देकर खामोश करा दूं, और रही बात चौथी की, तो उसको तो पहले ही सजीला बेगम अपनी जायदाद से आग कर चुकी। और वकील साहिबा, अब उनका क्या होगा? खबर का इंतजाम कर लिया उनके लिए? सासू माँ का क्या है, वो चाहे तो मेरे साथ मेरे घर में रह ले, नहीं तो रेंट पे कोई झोपड़ी दिलवा दूंगा। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीने निकले। क्या प्लानिंग की है? पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को मगरमच्छ बना देता है कसम से। अब तो आपके साथ मिलकर खूब प्लाजे पर प्लाजे बनाना चाहता हूं, एक बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूं। आज से आप मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरे भाई भी। एक बार फिर सोच लो अम्मा, इतना भरोसा है मुझ पर? सोचना क्या है, आप जैसा इंसान और पार्टनर किस्मत वालों को ही मिलता है, उससे ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। अच्छा, तो फिर इस पर साइन कर दो। ये क्या, भाई भी कह दिया, पार्टनर भी बना लिया, भरोसा भी कर लिया, लेकिन अगर इसके बावजूद तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ये पार्टनरशिप डीड है। आज से तुम और मैं 50-50% के पार्टनर्स हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अब कहाँ करने हैं साइन? या अम्माद, जंग जीतने का एक ही उसूल है अम्माद, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना। दे रही हमारी बकाया रकम। थैंक यू अरबाज, थैंक यू सो मच। सजीला के घर की फाइल मेरे पास रहेगी, जब तक तुम ये पता करो कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। ओके, अब मुझे इजाजत। चलो, दा ऑफिस। अब आएगा मजा, जब मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से धक्के देकर निकालूंगा। ये तुमने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, अपनी बर्बादी से मिलाया है। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूं आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय वीलॉग्स। देखें नाजरीन, 4-4, 5-5 साल की उम्र में आजकल हो रहे हैं बाल सफेद, और जैसे कि मैं आपके सामने हूं 18 साल की उम्र में, मेरी थोड़ी सफेदी आ गई है, तो इसका एक ही हल है, आपके सामने लाया हूं एक नया टोटका, ये है मस्कारा। ऐसे ऐसे लगाएं हल्का हल्का और अपने सफेद बालों को करें काला। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फरहान, आप ही की कॉल आई थी। अच्छा, तो इमाद भाई की खुशी में उन्होंने दावत रखी है, हमें भी इनवाइट किया है।
ना उड़ाओ उड़ाओ, मजे उड़ाओ, दावत के मजे उड़ाओ, लेकिन बता रहा हूँ जिस दिन हकीकत से पर्दा उठेगा ना, इसी खाने में जहर मिला के दूंगा तुम्हारे घर वालों को। बड़े आए फरहान, थोड़ा सबर कर लो, मैंने 6 महीने का कहा है ना, हो जाएगा। क्या 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 6 महीने या 1 महीने का किसी को पता नहीं है, तुम वापस दोबारा 6 महीने की कहानी ले आई हो। अरे तुम्हें बता रहा हूँ, ये इमाद मियाँ की वजह से ना तुम्हारी माँ को गोली दे रही है। अव्वल तो अम्मी कोई ऐसी बात नहीं करती, और जो वो कहती है ना वो करती है, और कौन से 6 महीने दूर है, अभी आ जाएंगे। फरहान मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप प्लीज अपना केस वापस ले लें। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ तुम्हारी वजह से करूंगा। देखो मुझे अगर फिक्र है ना तो अपने बच्चे की फिक्र है, हाँ उसको मैं बहुत प्यार से पालना चाहता हूँ बगैर परेशानी के, लेकिन कोई गड़बड़ हुई ना किसी को बख्शूंगा नहीं मैं। और वो दावत के लिए तैयार हो जाना शाम में, चलेंगे। सही है, बाय बाय। सानिया सानिया सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मान मैंने आपसे कहा भी था कि 15-20 दिन तो एटलीस्ट आराम कर लें, अभी हफ्ता ही हुआ है आपको हॉस्पिटल से आए हुए और आप फिर ऑफिस चले गए। एक जरूरी काम था सानिया, बस वही करने गया था। हमसे ज्यादा जरूरी क्या? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सानिया, तुम ना होती तो शायद मैं ना होता। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, और बुरे वक्त में तो बीवियां काम आती है ना। अच्छा मैंने तुमसे कहा था कि आज रात की दावत का अम्मी से कह देना, तुमने अम्मी से कहा कि नहीं? नहीं कहा तो मैं कह देता हूँ। अरे बाबा कह दिया, और आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आपकी अम्मी है, मेरी तो कोई लगती नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बाद अब वो किसी को बेटा बनाने को सोचेंगी भी नहीं। कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा ये बताओ कि रात के खाने के लिए अगर कुछ सामान लाना है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, वानिया और दानिश गए हैं ना बाजार से लेने के लिए, आप जाके बस आराम कीजिए। ओके। इतने गौर से बाहर क्या देख रही हैं? आगे आ रही, देखो वो आ गया। कौन आ गया? जय बेटा, मेरी माँ से नहीं, ये आ गया। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना भी बनाया, बहुत पसंद है ना उसे। मुझे भी। चले चलकर तैयार हो जाए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं लगेगा फिर चला जाएगा। प्लीज मान जाए ना, अगर मुनीब आपको इस हालत में देखेगा तो कितना नाराज होगा, और क्या आप चाहती हैं कि वो आपसे नाराज हो? नहीं नहीं
फिर वापस चला जाएगा, से नाराज होके फिर वापस चला जाएगा। मुझे जाने तो नहीं दोगे ना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा। आप तैयार हो जाओ चलते। बहने दो इन आंसुओं को, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं थक गया हूं मरियम, मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते, उससे और नहीं हो रहा। पछतावा हो रहा है तुम्हें क्योंकि तुमने महानूर के साथ गलत किया। सच तो मैं नहीं जानती कि क्या है और ना मैं तुमसे पूछूंगी। हाँ लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अपने करीबी रिश्तों को बचाने के लिए अगर बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े ना तो दे देनी चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी मरियम, सोच लो। कुर्बानी तराजू में तो नहीं तोड़ के दी जाती। हम कितने खुशकिस्मत हैं ना आर्यन कि हमारी जिंदगी में इतने अच्छे लोग हैं जैसे मेरे साथ अरबाज, तुम्हारे साथ महानूर। आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि बन सवर के राह करें, आपने क्या हाल कर लिया अपना। मामा ये क्या है? मुझे दिखाइए। नहीं मुनीब है। हाँ लेकिन मुझे तो दिखाइए, मैं तो देखूं। नहीं नहीं दूंगी। मामा रिलैक्स, नहीं रिलैक्स। देखो देखो उसका खून निकल रहा है, एम्बुलेंस को बुला, मर जाएगा मेरा बेटा। कुछ नहीं होगा मुनीब को, वो मुनीब नहीं है। परसों अभी आपने मुझसे कहा था ना कि मुनीब आपसे मिलने के लिए आ रहा है, कहा था ना वो आ रहा है आपसे मिलने के लिए, और यहाँ पे मैं हूं ना आपके पास। मुनीब का भाई आ गया, आ गया। उस औरत को नहीं छोड़ना। देखो क्या कर दिया उसने मुनीब के साथ, क्या कर दिया हमारे मुनीब के साथ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिला को छोड़ूंगा नहीं, उसे और उसके पूरे खानदान को मैं सड़क पर नहीं ले आया ना। मेरा नाम अरबाज नहीं। आपने बहुत अच्छा किया इमाद भाई से माफी मांग के। हाँ वो हरियाणा ने मुझे अपने झूठों में ऐसा फंसाया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा था ये इंसान झूठा है, इसकी बातों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं महानूर बेचारी कैसे रहती है उसके साथ। मुझे 100% यकीन उसने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया महानूर को। चलो एक सेकंड के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि उसे उसे झूठ बोला गया है, उसे फंसाया गया है। तो अगर ये सब सच है तो तुम क्या करोगे? साथ दोगी महानूर का? ना बहन होने का फर्ज निभाओगी? बताओ तो क्यों?
शायद इस खौफ से खुद हर बुझूं कि आप मुझसे छिन जाएंगे। मोहब्बत तो शायद कुर्बान कर देती दानिश, अपना शोर नहीं कर सकती। और आप इतना मसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि महमूद कुछ नहीं? नहीं, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। हाँ भाई, मैं फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? कब से कॉलें कर रहा हूँ। तेरे नसीब में ना ये चाय बिस्किट रह गया है, क्योंकि मलाई तो सारी तेरा साड़ू ले गया। मैं क्या बोल रहा है यार, पैसों का इंतजाम कर ले बेटा। सजीला बेगम से महंगे वकील की जरूरत पड़ने वाली है तुझे। अबे उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरे भाई ने अपना सिपाही मैदान में छोड़ा हुआ है। हमारी बेगम साहिबा अपनी माँ के वकील का कोट पहन के किस चीज के घर भी वापस आ गई है। 6 महीने में सारा माल जेब किया। अबे भूल है तेरी, जब से इमाद मियां के ऑफिस में लगा हूँ ना, हर एक चीज पे नजर है मेरी। मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, फाइल तो गई तेरे हाथ से। क्या मनु उस खबर सुना दी? मनु तो अब तेरी किस्मत होने वाली है। इमाद मियां ने तेरी सास के घर की फाइल किसी और को टिका दी है। तेरी ऐसे कैसे टिका दी? मेरा नाम भी फरहान है समझा, लक में हाथ डाल के अपना हक छीन के निकालूंगा मैं। फिलहाल तो तेरी सास ने तुझे 6 महीने का चूना लगा दिया, अब तू रेग माल पकड़ और निकल जा कुरेत में। तो छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ इसकी तो मैं। भाई कहाँ जा रहा है? पहाड़ में। आनिया, 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 आनिया जल्दी आओ। अरे कहाँ मर गई हो यार, कब से बुला रहा हूँ। सलाम अलैकुम। क्या सलाम अलैकुम? क्या कानों में मैल भरा है? कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? वाह, पहली बार किसी को अपनी मैयत में इतना तैयार होकर जाते देख रहा हूं मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इमाद मियां के घर पर जो दावत रखी गई है ना, वो इमाद मियां के ठीक होने की खुशी में नहीं है, बल्कि हमें दीवार से लगाने की खुशी में है। फरहान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? शौहर की बात तीर की तरह चुपती है और अपने घर वालों के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती। अरे धोखा दिया है तुम्हें तुम्हारी माँ ने और बहन ने, झूठ बोला है मुझसे तुमसे। बड़ा घर घर कर रहे थे, अरे इमाद मियां को घर की फाइल देते हुए उनके हाथ नहीं कांपे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अम्मी इमाद भाई को फाइल कभी नहीं देंगी, और अगर देंगी तो वो मुझे बताएंगी। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। सब कुछ नहीं, मैं तो झूठा हूँ, कमतर हूँ, कमजोर हूँ, मैं भूल गया था। सच्चे और खरे तो सिर्फ तुम्हारे मायके वाले हैं। बड़ी आ रही, बड़ा बहन की बातों में आ रही थी। देखा, जब उसके शौहर पे बुरा वक्त आया तो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अब तुमने क्या किया अपने शौहर के लिए? उल्टा बोझ बनी बैठी हो मेरे सर पर। अल्लाह ने जो ये पत्ती के बीच में हथियार दिया है ना, अपने शोहर के खिलाफ नहीं, उसके हक में इस्तेमाल करो, समझी? अरे चलो मेरे साथ। रुको, ये सोचकर इस घर की दहलीज पार करना कि तुम इस घर में तभी वापस आ सकती हो जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मेरी प्यारी बहन, मेरा बच्चा, सामने का भाला। या नहीं, सलाम, तरस गई थी मेरी आंखें तुम लोगों को देखने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ मरियम, माफी, आप कैसी? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, कैसी रही शादी? अच्छी थी, बस आप लोगों को बहुत मिस किया। मेरी तबीयत खराब थी, वरना जरूर आते। मुझसे पूछो सारा, अपनी बहन से दूरी का दर्द क्या? बस अब ये दूरियां मुरियां खत्म, अब यहीं रहो कराची में तुम लोग भी। हाँ
मेरी दुआ और अलियान की शादी हो जाए तो मैं मुकम्मल कराची शिफ्ट हो जाऊंगी इंशाल्लाह। खड़ी क्या शक्ल देख रही है खाला, तुम अच्छी से चाय बना अपनी होने वाली भाभी की, तवाज़ो कर जल्दी जाओ ना, बैठ जाओ ना, बैठो आ जाओ तो लाओ। अरे तुम रहने दो ना, क्यों रहने दो, मेरी बहन इतनी दूर से आई है, मेरी माँ जाई मैं नहीं उसका ख्याल करूंगी तो कौन करेगा। अच्छा ये बताओ शादी कैसी रही? खैर से कल बारात हो गई जमशेद की बेटी की, बस अब तो मेरी दुआ की बारी है। अगर मुझे यहाँ कराची ना आना होता ना तो मैं वहीं हैदराबाद से इसको ब्याहती। हाँ भाई माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि अपनी औलाद को अपने घर से ही ब्याह, लेकिन बेफिक्र हो जाओ दुआ और आलियान की इतनी धूमधाम से शादी करूंगी, इसको इतने प्यार से और शान से ब्याह के लाऊंगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी इंशाल्लाह। बताओ कि मरियम की रुख्सती कब कर रही है? अब तो हर बार वाला मसला भी खैर से हल हो गया है तो देरी किस बात की है? कोई मसला है तो चलते हैं बात करते हैं और ऐसा करते हैं कि दुआ की और मरियम की शादी एक साथ कर देते हैं, दोनों बहनें खर्चे से बच जाएंगे। क्या हुआ खाला, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है, वो बात हुई है अरबाज से, इंशाल्लाह जल्दी उसकी रुख्सती कर दूंगी मैं। वैसे खाला आलियान का है, कहीं दिख नहीं रहा। आलियान कमरे में होगा, कहाँ जाएगा, अभी बुलाते हैं। नहीं नहीं आप बैठे, मैं खुद जाती हूँ उसको अपने आने के सरप्राइज से। हाँ हाँ जाने दो ना कमरे में, क्यों खुद ही देख लेगी जाकर। मैं जाओ जाओ। देखो मेरी दुआ का ना अपनी मरियम की तरह ख्याल करना, अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ तुम्हारे आलियान को। हाँ भला ये भी कोई कहने की बात है, दुआ मेरी बहू नहीं मेरी अपनी बेटी है। बेफिक्र रहो, यहाँ पे ऐसी शान से रहेगी कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ साहबा बस अब मेरी दुआ की दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह ताला उसकी खुशियों पर किसी की नजर ना मारे। आमीन आमीन। मैं जानती हूँ अम्मी आप मुझसे बहुत नाराज होंगे और आपको मुझसे नाराज होना भी चाहिए, मैंने बेहद खुदगर्जी का मुजाहरा किया, लेकिन मैं क्या करती अम्मी, जब मैंने इमाद की वो हालत देखी थी मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी अब बस वीरान होने जा रही है। नहीं बेटा ये खुदगर्जी नहीं थी, एक बीवी की मोहब्बत थी अपने शौहर के लिए। सच पूछो तो मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि तुम्हारी और अम्मात की मोहब्बत मेरी और तुम्हारे अब्बा की मोहब्बत से ज़्यादा स्ट्रांग है। ये क्या कह दिया अम्मी आप दोनों ही तो मेरे लिए आइडियल हैं। काश मैं भी अपने बाप की आइडियल बेटी बन सकती है। क्या बात है जी, ऐसी कौन सी खुफिया बातें हो रही हैं माँ बेटी के दरमियान? ये माँ बेटी की बातें हैं जनाब, आपको क्यों बताएं? वैसे अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने घर की कुर्बानी देकर आपने जो मुझ पर एहसान किया है मैं चाहकर भी जिंदगी भर ये एहसान नहीं उतार सकता। सही कहा आपने इमाद भाई, मैं भी कभी नहीं भूलूंगी। अम्मी ने आप पर एहसान करके जो मुझ पर जुल्म किया है ना मुझे हमेशा याद रहे। और आपने सगी बहन होने के बावजूद अपनी बहन के लिए गड़ा खोदा। हानिया चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने अपनी जुबान खोली ना तो आप लोग नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। और आपने जरा भी ख्याल नहीं किया अपनी औलाद के बारे में, एक बार भी नहीं सोचा, आप मेरा हक देना कैसे भूल गई? हानिया क्या हो गया है तुम्हें, कैसे बात कर रही हो तुम अम्मी से? तमीज से। और आप तो मुझे बिल्कुल तमीज सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अम्मी के मुंह से जब भी नाम सुना हमेशा इमाद भाई का नाम सुना, मेरे शौहर से ज्यादा इमाद भाई को तरजीह दी अम्मी ने। तुम दोनों जलते हो मेरे शौहर से। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपके शौहर की तरह चालाकियां नहीं आती हमें। ना ना ना।
मेरी बीवी को लावारिस मत समझना। फरहान बस कर दो। क्या फरहाना, अपनी बीवी को बोलो अपना हाथ काबू में रखे। खुदा के लिए बस कर दो, ना लड़ो तुम लोग। क्यों मानीजा, इतना ही ख्याल था कि रिश्ते बिखर जाएंगे तो बेटियों में फर्क नहीं करना था ना। पूरे का पूरा घर उठा के दामाद जी की झोली में डाल दिया। वाह क्या बकवास कर रहे हो फरहान, क्या बकवास कर रहे हो तुम। क्यों सच नहीं सुना जा रहा, कहो तो उस बिल्डर का नाम भी बता दूं जिसको घर की फाइल दे आए हो। नहीं मैं आज अगर इसे मैंने छोड़ दिया ना तो ये अपनी औकात भूल जाएगा और हमारे सर पर बैठ कर नाचेगा। ये देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। मुमानी जान संभालें अपनी बेटी को, एक बेटी का घर बसाया है ना, अब दूसरी बेटी का घर बर्बाद होते देखें। अरे चोखा ले खा लो तुम। फरहान पागल बदतमीज़।